Hello, 5th class. Today I will explain you math chapter 7th. So हमारी एक्सरसाइज 7.1 है SCF. तो फर्स्ट सम है हमारा फाइंड द SCF ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर मेथड. कॉमन फैक्टर मेथड यानी कि हम जो हमारी स्टेटमेंट हमारे नंबर्स दिए गए हैं उनको कॉमन मेथड के द्वारा उनका फैक्टराइजेशन करेंगे और SCF निकालेंगे. तो सबसे पहले है स्टूडेंट हमारी स्टेटमेंट नंबर्स 24 and 33. तो देखिए फाइंड द SCF ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन फैक्टर मेथड 24 and 33. तो सबसे पहले 24 and 33 को हम पुट करेंगे. आफ्टर इट डिवाइड द नंबर्स बाय देयर कॉमन फैक्टर. यानी कि इन नंबर्स का जो भी कॉमन फैक्टर है उसके द्वारा हम इनको डिवाइड करेंगे. तो हमने 2 देखा तो 2 से 24 हमारा डिवाइड हो रहा है बट 33 नहीं, बिकॉज इट्स वंस प्लेस डिजिट इज ओड नंबर. सो 33 से हम करेंगे डिवाइड. 33 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 3 से 3 8 24, 3 11 33. आफ्टर इट 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 and 33, सो डिवाइड बाय 3. 8 and 11 हैव नो कॉमन फैक्टर. आपने भी देखा 8 और 11 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो स्टॉप द डिवीजन, डिवीजन को रोक दीजिए. 8 से नहीं करना है यहाँ पे और ना ही यहाँ पे 11 से करना है. SCF ऑफ 24 एंड 33 इज 3, इसलिए जो SCF है 24 और 33 का वो क्या है 3 है. SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों का सबसे बड़ा ऐसा कॉमन फैक्टर जो इनको कंप्लीट डिवाइड करता हो. ओके, आवर बी पार्ट ऑफ फर्स्ट सम इज 36 and 252. तो एज प्रीवियस सम इनको भी हम डिवाइड द नंबर्स बाय देयर कॉमन फैक्टर. सो इन 36 6 इज इवन नंबर एंड हेयर लास्ट डिजिट 2 इज ऑल्सो इवन नंबर, सो डिवाइड विद 2. तो 36 बाय 2 18 एंड 252 बाय 2 126. 18 एंड 126 ऑल्सो इवन नंबर, सो वी ऑल्सो डिवाइड देम बाय 2. 18 डिवाइड 9 2 9, 126 डिवाइड 2 63. आफ्टर इट 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 63. 3 इज 9 एंड 3 2 जा 6 3 1 जा 3. 3 एंड 21 कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो 3. 3 1 जा 3 3 7 जा 21. सो SCF of 36 and 256 is their common factor were 2, 2, 3, 3. 2 multiply 2, 3 multiply 3. 2, 2 is 4, 4, 3 is 12, 12, 3 is 36. So, SCF of 36 and 252 is 36. यानी कि 36 हमारी ऐसी सबसे बड़ी स्टेटमेंट है जो 36 और 256 को विदाउट रिमाइंडर छोड़े पूरा पूरा डिवाइड करेगी. नेक्स्ट सी पार्ट इज SCF फाइंड करना है बाय कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा 18, 36 एंड 45. 1836 एंड 45 का कॉमन जो फैक्टर है सबसे पहले 3, बिकॉज 18 एंड 36 का 2 है बट 45 नॉट. सो डिवाइड थ्री डिजिट्स, थ्री नंबर्स, ऑल थ्री नंबर्स बाय 3.
3 6 18, 3 12 36 and 3 15 45. After 3 6 12 and 15 we get their common factor is also 3. 3 2 6, 3 6 12 and 3 5 15. So there is not common factor of 2 6 and 5. So HCF of 18, 36 and 45 is 3 multiply 3. 3 3s are 9. D part HCF by common factor method 45, 25 and 65. So there is 5. Its last digit 5, its also last digit, and its 65's last digit is also 5. So division by 5. तो 3 से देखिए 4 plus 5 9, 3 से divisible है. 2 plus 5 7, 3 से divisible नहीं है. 6 plus 5 11, ये भी 3 से divisible नहीं है. So हमने 3 से divisibility check कर ली है. 2 से कोई भी डिविजिबल नहीं है बिकॉज ये इवन नंबर नहीं है. 3 से भी नहीं है. 4 से डिविजिबिलिटी नहीं है बिकॉज 4 में भी इवन नंबर ही चलेंगे. आफ्टर इट 5 की टर्न है. तो 5 देखिए सबकी लास्ट डिजिट इज 5. सो 45, 25 एंड 65 के फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर 5 है. तो 5 9 जा 45, 5 5 जा 25 एंड 5 13 जा 65. 9 5 एंड 13 हैव नो कॉमन फैक्टर. सो 45 25 एंड 65 कॉमन फैक्टर इज ओनली 5. ई पार्ट बच्चों देखिए, ई पार्ट में 90 140 210, तो सबके पीछे हमारी जीरो पुट की गई है. हमने जब डिविजिबिलिटी चेक की थी तो डिविजिबिलिटी में क्या था कि 10 से डिविजिबल कौन सी हमारा नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट इज 0. सो देखिए सबसे पहले ऑल नंबर्स आर इवन नंबर, सो दे आर नॉर्मली डिविजिबल बाय 2. तो 2 45 जा 90, 2 70 जा 140 एंड 2 1 जे 2 1 करेंगे हम 0, देन 0 10 2 5 जा 10. डिवाइड किया हमने तो 105 वी गेट. आफ्टर इट 45 75 105 पर कॉमन फैक्टर 5 बिकॉज 2 नहीं है. 45 एंड 105 आर ऑड नंबर. देखिए 4 प्लस 5 9 डिविजिबल बाय 3, यस 7 प्लस 0 7, तो डिविजिबल नोट 3 है. तो अब देखिए हम 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. 5 9 जा 45, 5 14 जा 70 एंड 5 21 जा 105. सो 9 14 एंड 21 हैव नो कॉमन फैक्टर. सो स्टॉप द डिविजन. नाउ वी गेट HCF. हाउ HCF ऑफ द 90 140 and 210 is 2 and 5. 2 multiply 5 2 5 is 10. स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट सम का लास्ट पार्ट है F. HCF ऑफ 38 94 and 130 बाय कॉमन फैक्टर मेथड. 38, 94 and 130 are even number. So their common factor is 2. 2 19 जा 38, 2 47 जा 94, 2 65 जा 130. 19 47 and 65 have no common factor. So their HCF is only 2. Okay students, I hope you understand this video. So stay home, stay safe.
ओके बाय। आगे से कैसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो जरूर देखिएगा आप।